यहाँ पर इस स्कैनर से ये स्कैन कर रहे हैं और ये हर एक्चुअली हर एंगल में इसको स्कैन करना पड़ता है। इससे बड़ा भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने वो युवराज सिंह को स्कैन किया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, ये सर हमारे साथ हैं, ये कैटेक आपका ब्रांड है, तो सर आप थोड़ा बताइए क्या प्रोडक्ट आप लेके आए हैं आज? ये बेसिकली 3D स्कैनर है। ओके, 3D स्कैनर है। अलग अलग तरह के स्कैनर्स हैं हमारे पास, डिपेंडिंग ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट कि उनको स्कैन क्या करना है। अच्छा, ये रोबोट पे माउंट किया हुआ है हमने स्कैनर। ओके ओके। और इसका पर्पस है आपको इंस्पेक्शन करना है रेगुलर किसी प्रोडक्शन जॉब्स का, उसके लिए काम में आता है। तो किसी भी आप सैंपल को रख देंगे, उसका ये पूरा 3D मॉडल आपको मेश फाइल क्रिएट करके दे देगा। अच्छा, कैड मॉडल के अगेंस्ट पूरा इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ओके ओके। या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग भी करना है किसी भी ऑटोमोटिव पार्ट्स का, बड़े पार्ट्स का, छोटे पार्ट्स का, पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए कैड मॉडल बनाने के लिए। तो बेसिकली ये इसका वर्क फीचर है जो आप बता रहे हैं। हाँ, इसका तो बेसिकली ये 3D दे देता है, किसी भी कंपोनेंट का पूरा ड्राइंग बना सकते हैं उसके बाद। अच्छा, 3D ड्राइंग बना के वो दे देगा, उसके बाद में आपको आगे जो वर्क करना होगा कर आपको मशीनिंग करना है, CNC करना है, वहाँ सब। तो जैसे ये प्रोडक्ट आप यहाँ पे रखा हुआ है आपने डेमो, तो अभी आप इसका ये 3D मॉडल निकाल रहे हैं? हाँ, 3D मॉडल इसका स्कैन करके पूरा आगे क्या प्रोसेस इसका? एक बार 3D बन जाता है, मेश फाइल आ जाती है, उसको डायरेक्ट 3D प्रिंट भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट CNC मशीन भी कर सकते हो। कुछ डेमो आप कर रहे हैं, कुछ ऐसा दिखा सकते हैं डेमो करके? हाँ, कि जैसे ये 3D किया हमने और वहाँ पर आ गया। एक बार हम कुछ प्रोडक्ट को आपको अभी स्कैन करके दिखाते हैं। अच्छा, तो कर रहे हैं आप, तो प्रोसेस पूरा मुझे रिकॉर्ड करना है। हाँ जी, अभिषेक अभी जो स्कैन करने वाले हो वो क्या आइटम है? ये गणेश जी का स्टैचू अभी स्कैन करेंगे। ठीक है, ये स्कैन करना है अभी आपको। तो स्कैन हो रहा है, तो वहाँ पे शो हो रहा है ना? अभी ये स्कैन करेंगे, उसके बाद वहाँ पे शो होगा। अभी दिखा। ओके, तो यहाँ पे आपने प्रोग्रामिंग डाल दी किस तरीके से? अभी हमने प्रोग्रामिंग नहीं करी है, सिर्फ हमने फाइल को सेव किया है। ओके, प्रोजेक्ट बना करके। ठीक है, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। देन फर्स्ट हम बटन क्लिक करेंगे, देन इसमें से लाइट निकलेगा और लाइट से स्कैन होगा। अभी हम देखेंगे, जैसे कि अगर हम स्क्रीन में देखेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे थोड़ा रेड हो गया, ब्राइटनेस यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है, तो हम इसको कम करना पड़ेगा। उसके लिए बटन प्रेस करेंगे और ये माइनस कर देंगे, या ब्राइटनेस को हम कम कर देंगे। ब्राइटनेस को हमें इतना ही रखना होता है कि वो रेड ना हो जाए। उसके बाद स्टार्ट कर देंगे यहाँ से और इसको मूवमेंट करके किसी भी एंगल पर इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, 3D पूरा क्रिएट हो रहा है? हाँ, ये पूरा 3D कैप्चर हो रहा है अभी आपका। इसको हम रोटेट कर सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, मेजरमेंट बिल्कुल काफ़ी एक्यूरेट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, इसको हर तरफ से स्कैन करना पड़ रहा है ताकि 3D क्रिएट हो पाए। उसके बाद आप सीधा इसका प्रोडक्शन। ओके ओके। तो यहाँ पर इस स्कैनर से ये स्कैन कर रहे हैं और ये हर एंगल में इसको स्कैन करना पड़ता है, जिससे कि प्रॉपर ये यहाँ पर 3D एक इमेज बन पाए। ये तभी कैप्चर हो पाएगा पूरा जब आप इसको कम्प्लीटली करेंगे। ये प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग थोड़ा सा ना? ये बल्कि फास्ट है। अच्छा, फास्ट है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर ये आ गया, इमेज बन के आ गई, ये देखिए। इसके बाद हम इसको ज़ूम करके देख सकते हैं कितना है, कहाँ पे है। अच्छा, काफी एक्यूरेट आया है, जो जो एक्चुअल साइज है वही आएगा। अच्छा, साइज भी बिल्कुल एक्चुअल आएगा। ओके,
इसमें ऐसे नहीं कि आप कुछ साइज करोगे और अच्छा मेजरमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एक्चुअल साइज प्रोडक्ट का होगा सेम टू सेम वही आएगा। बहुत अच्छा, ये प्रोडक्ट है एक्चुअली आपका, ये प्रोडक्ट हमारा। तो आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ पर बेस्ड है और कहाँ पर आप इसको जो है किस तरीके से लोग जुड़ सकते हैं आपसे? हमारी कैटेक सोल्यूशन कंपनी है जो कि हमारा अशोक विहार दिल्ली में है हमारा ऑफिस। वहाँ पे हमारे पास कई सारे स्कैनर्स हैं, लगभग 5 से 6 के आसपास हमारे पास हैं, जिसमें हमारे स्टार्ट होते हैं डेस्कटॉप बेस्ड स्कैनर, उसके बाद आते हैं हमारे पास हैंडल स्कैनर, देन एक आता है कि हमारा मल्टी यूटिलिटी स्कैनर्स, जिसमें कि आप हाथ से स्कैन कर सकते हो और दूसरा आप ट्राईपॉड पर लगा के भी स्कैन कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, आपका जो भी है आपका ऑब्जेक्ट स्कैन करना है, छोटा स्कैन करना है उसके लिए भी अलग स्कैनर्स हैं, बड़े स्कैन कर रहे हैं तो उसके लिए भी अलग स्कैनर्स हैं हमारे पास। तो जो स्कैनर है वो यही साइज रहता है या इसमें अलग अलग? इससे अलग अलग मोटर्स, जैसे कि आप हमारे पास ये अच्छा एक ये है, ये सिर्फ छोटे पार्ट्स के लिए होता है। अच्छा, कोई छोटे पार्ट है ये वाला, कोई छोटा पार्ट है, इसमें सिर्फ 100 mm तक के पार्ट स्कैन हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं हो सकते। अच्छा, अप टू 100 mm? 100, यस। ओके, उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आते हैं हमारे पास ये, ये तो हैंड हेल्ड है, इसको ये हैंड हेल्ड भी है, ये ट्राइपॉड पे बेस भी है, इस पे ट्राइपॉड पे लगा के भी स्कैन कर सकते हैं। ओके, और वो जो आपने रोबोटिक वाला बताया था वो वाला हमारा है लेजर प्लस स्ट्रक्चर लाइट। अच्छा, ठीक है, ये बेसिकली बड़े पार्ट्स के लिए ही होता है, हाई एंड एक्यूरेसी के लिए यूज में आता है ये। तो ये जैसे इतना बड़ा ये आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इस तरीके से, इससे भी हम इससे बड़ा भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने वो युवराज सिंह को स्कैन किया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, ये आपने स्कैन किया हुआ है? हाँ, ये देखो युवराज सिंह को ऐसे स्कैन करके 3D इमेज निकाली हुई है। ओके, तो वो किस मशीन के थ्रू किया है इसको? ये हमारा यही है, हमारा इससे किया हुआ है। तो इसको कैसे कर लिया युवराज सिंह को खड़े? जैसे हाँ, वो खड़े, उनको खड़े रहना पड़ेगा, सिर्फ उनको 1 या 2 मिनट के लिए। ये रोबोटिक सामने सामने लेकर ये तो हमने रोबोट पर भी माउंट किया हुआ है। अच्छा, बिना रोबोट के भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हैंडल यूज कर सकते हैं जैसे उसको कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। Okay. और अगर आप देखें तो वहाँ पे और पिक्चर्स देखेंगे जिसमें कि हमारा महाराणा प्रताप की एक मूर्ति है जो कि काफ़ी बड़ी है। अच्छा, ठीक है, ये करीब होगी हमारा 16-17 फुट के आसपास, जैसे भी आप यहाँ पर स्कैन कर रहे हैं। हाँ, ओके, ये भी हमने इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट किए हुए हैं। अच्छा, ये चेयर, ये सब भी किया? हाँ, ये सब हमारे स्कैनर्स हमने सब किया हुआ है। तो बेसिकली ये, हाँ, ये एक और हमारा है जो पिलर्स है, ये राम मंदिर में जो बना है ये वही पिलर्स है। अच्छा, उसी का हमने स्कैन करके इसके बाद इसका रोबोट से बनाया गया आपका। ओके, तो ये बेसिकली कोई किसी को कोई भी प्रोडक्ट है उसको 3D क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे अमेज़न वगैरह पे ऑनलाइन साइटों पे होता है कि वहाँ पे 3D में देखना होता है हर तरफ से कैसा दिखता है ये प्रोडक्ट, इसका साइज बनता है, तो वो एक एप्लीकेशन। हाँ, वो एक एप्लीकेशन है, इसके अलावा भी एप्लीकेशन और भी है। अच्छा, किसी भी प्रोडक्ट को दोबारा मैन्युफैक्चरिंग करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को दोबारा मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसको यूज में कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आप उसका कैड बना सकते हो, कैड जब बन जाएगा उसके बाद उसको मशीनिंग आप कर सकते हो। अच्छा, क्योंकि प्रोडक्शन में ही यूज में आता है आपका, इंस्पेक्शन के लिए यूज में आएगा आगे, कि कोई अपने प्रोजेक्ट बनाया उसके बाद उसको स्कैन करने के बाद उसके बाद उसको चेक कर सकते हैं कि ये एक्यूरेट बना है या नहीं बना है। तो यहाँ पर मैं विजिटिंग कार्ड शो कर रहा हूँ, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।